दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे पास आ गया है एक ये डिजिटेक का गिम्बल जो कि मैंने ऑर्डर किया था, तो आज मेरे पास डिलीवर हो गया है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो में स्टेबिलिटी किस तरह से आप ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पास डिजिटेक का 3-एक्सिस गिम्बल है। ये बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आप दी हुई है, देख सकते हैं न्यू योर डिजिटेक 3-एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर बटन एंड फंक्शन। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आपको इसमें मेंशन है। स्मार्टफोन क्लैंप, यहाँ पर आपको फोन को आप क्लैंप कर सकते हैं। मिनी USB चार्जिंग पोर्ट आपको दी गई है। बैटरी लेवल इंडिकेटर आपको दिया गया है। जॉयस्टिक पावर ऑन ऑफ की बटन दी गई है। साथ में आपको स्मार्टफोन क्लैंप एडजस्टमेंट नॉब दिया गया है। रोल मोटर इसमें आपको ये देख सकते हैं और साथ में रोल बैलेंस आर्म एडजस्ट टिल्ट मोटर पैन मोटर एंड शूटिंग स्टेटस डिटेक्टर शिफ्टर लेवल एंड मोड सेलेक्ट सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये गिम्बल है आपको चाइना के मिलेंगे जो कि चाइना से आप परचेज कर पाएंगे। ये जो गिम्बल है ये अपना इंडिया का है जो कि डिजिटेक नाम से आता है। तो ये आप डिजिटेक का 3-एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन मॉडल नंबर DSG005 इसे आप अमेजोन पर परचेज कर सकते हैं। देखिए मोड देखने को मिलेंगे, ये सॉकेट है, स्मार्ट चार्जिंग है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, फंक्शन मोड है, जॉयस्टिक पैनिक मोड है, ये सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। पैन साथ में जो ये गिम्बल है आप इस गिम्बल से अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। और ये जो अप्रोक्स चार्जिंग टाइम है इसका तो ये 4 से 5 आवर लेता है चार्ज होने। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको अनबॉक्स। सिंपल सा आप इस तरह से ओपन करेंगे दोस्तों, इसमें आपको ऊपर ही केसिंग देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका गिम्बल रखा हुआ है। साथ में आपको एक ये मिनी ट्राइपॉड देखने को मिल जाएगा। USB पोर्ट मिल जाता है जो कि माइक्रो टू मिनी है, आप इससे अपने गिम्बल को चार्ज कर पाएंगे। तो नीचे आपको देखने को मिलेंगे इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जिससे आप पढ़ करके आप इसको सेट कर सकते हैं कैसे क्या यूज करना है। फाइनल मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पैक होके आपका डिजिटेक का ये गिम्बल आया हुआ है। साथ में आपको ये ले जाने के लिए स्ट्रैप भी दिया हुआ है जिससे आप अपना इजी टू कैरी कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको आप। और तो चलिए इसको दोस्तों ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका ओपन करने के लिए चैन इस तरह से लगी हुई है जिसको आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ओपन करने पर आप देख सकते हैं जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वो सामने आपको रखा हुआ दिख रहा है। आपका प्यारा सा गिम्बल जो कि डिजिटेक का है ये आप यहाँ पर मेंशन है देख सकते हैं। पावर ऑन करने की बटन मिल जाती है, एक मोड मिल जाता है और साथ में आपको डिजिटेक का ये लोगो देखने को मिल जाता है। इसमें करते हैं अपने फ़ोन को माउंट और दिखाते हैं आपको किस तरह से इसमें वीडियो आप शूट कर सकते हैं और किस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको किस तरह की देख। ओके दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जो गिम्बल है इसको आपको आपको फ़ोन को माउंट करने के लिए आपको गिम्बल को सेट करना पड़ेगा। तो आपको देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ पैक होके आया जो लॉक है, तो इसको आप हल्का सा पुश करेंगे तो ये आपका लॉक ओपन हो जाता है। इसको ओपन करने के बाद फ़ोन को इस तरह से आप इसमें अटैच करेंगे और साथ में आप अगर चाहें जैसे फोन को बैलेंस करना है तो ये यहाँ पर आपको एक बटन दी गई है जिससे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके फोन के ऊपर है कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, लाइट वेट का है या फिर उसका वेट ज्यादा है, तो वो आप फोन इस तरह लगा करके बैलेंस कर। दोस्तों आप इसमें जो फोन माउंट करेंगे तो उसमें फोन यूज कर सकते हैं वो 200 ग्राम से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसमें जो मोटर लगी हुई है अगर आप फोन ज्यादा वेट का लगाएंगे तो वो मोटर इसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और चलिए फोन को करते हैं माउंट। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पीछे एक ये आपको बटन दी गई है जिसके द्वारा आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप फोन से वीडियो किस तरह निकालना चाहते हैं, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लैंडस्केप यूज करना है तो आप इस तरह इसमें यूज कर पाएंगे। पोर्ट्रेट में करना है तो इसको इस तरह से कर करके पीछे आप इसको टाइट कर दें। फोन को सेट करते हैं, फोन को लेंगे, ये देख सकते हैं मेरे पास रेडमी का फोन है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। और आपको लगाते समय ध्यान रखना है कि ये जो मेरा फोन है इसकी बटन जो है साइड में, तो ये बटन इसमें नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी इसमें आपको ये देख सकते हैं ग्रिप दी हुई है, किसी भी तरह से डैमेज नहीं होगा। दोस्तों देख सकते हैं ये जो मेरी पावर की बटन है मैं इसको थोड़ा सा और नीचे यानी पुश कर सकता हूँ, अभी स्पेस मिल रहा है और मेरा फोन देखिए इस तरह से सेट हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने फोन को इसमें माउंट कर दिया है और इसमें देख सकते हैं अभी आपको फोन को इसको बैलेंसिंग करना है, यानी बैलेंस करेंगे तभी आप प्रॉपर इसको यूज कर पाएंगे। तो मैं अभी ये देख सकते हैं मेरे पास ये मिनी ट्राइपॉड है, मैं इस पे इसको सेट करके अपने फोन को बैलेंस करूंगा। आप चाहें तो हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए इसको पहले इसमें सेट कर लेता हूं जिससे आसानी से मैं इसको यूज कर पाऊं। दोस्तों देख सकते हैं फोन मेरा इस तरह से लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से इसमें सेट कर दिया है। सेट करने के बाद आपको फोन को बैलेंस करना है क्योंकि अभी ये मेरा लैंडस्केप में है और मुझे इसमें मान लीजिए पोर्ट्रेट में करना है, तो पोर्ट्रेट करने के लिए आप देखते हैं पीछे इसमें एक ये बटन दी गई है। तो दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए चलिए इसको एडजस्ट करते हैं और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको
देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से मेरा फोन बैलेंस हो। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने फोन को अपने बैलेंस कर दिया है, इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और चलिए इसमें आपको एक ये स्कैन बार मिलता है जिससे मैं एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा और गिम्बल को अपने फोन पर एप्लीकेशन के थ्रू अटैच। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं बिना एप्लीकेशन के इसको यूज करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपको अगर इसका पावर ऑन करना है तो आपको ये पावर की बटन 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। इसमें आपको मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको जॉयस्टिक मिल जाता है जिससे आप इधर उधर रोटेट कर पाएंगे। साइड में देख पाएंगे आपको ये दिख रहा होगा, देख पाएंगे एक यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, माइक्रो टू मिनी दो पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पोर्ट से आप इस गिम्बल को चार्ज कर पाएंगे जो कि 4 आवर या 5 आवर लगता है, और दूसरा आप अपने फोन को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो वो इसमें यूएसबी के थ्रू चार्ज कर पाएंगे। साइड में बात करें तो आपको पीछे आपको देखने को मिलेगा इसमें एक फोटो क्लिक करने के लिए एक बटन दी गई है, इससे आप आसानी से फोटो गिम्बल पर क्लिक कर पाएंगे। और अगर बात करें इसमें आपको जूम इन या आउट कर पाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो गिम्बल है इसको आपको यूज करने के लिए इसमें देखिए ये ग्रिप बनी हुई है जिससे आप आसानी से यूज कर पाएंगे। इस गिम्बल पावर ऑन करते हैं, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना था, ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा गिम्बल रेडी हो गया है, अब आप इसे यूज कर पाएंगे। गिम्बल को मैंने ऑन कर दिया है, अभी मैं इसको यूज करने वाला हूँ विदाउट एप्लीकेशन, तो वीडियो शूट करके दिखा। यूज करने के लिए गिम्बल प्रो नाम से एप्लीकेशन एक है, उसको आपको इंस्टॉल करने पड़ेगा जिससे आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे गिम्बल। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसको चलिए ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ये सिंपल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अलाउ करेंगे और ये आपकी पूरी सेटिंग, ये इस तरह से आपका एप्लीकेशन चालू हो गया। मेरी गिम्बल जो है ये कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए इससे कुछ फोटो में क्लिक करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और आपको दिखा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर दी है इसमें, और चलिए इसमें आपको शूट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं आपको दोस्तों 3 मोड मिल जाएंगे गिम्बल में यूज़ करने को, तो आप सिंपल से मोड को यहाँ पर जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इस तरह से आप कैसे भी यूज़ करेंगे और आपकी, तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ आपको मोड मिल जाता है। साथ में आप मोड चेंज करेंगे, ये देखिए और बटन मिल जाती है जिससे आप इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं, आपको ऊपर करना है नीचे करना है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये ये गिम्बल परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के परचेज कर पाएंगे। दूसरा, मैंने इसको अमेजोन पर ऑफर चल रहा था तब मैंने परचेज किया था, तो ये मुझे 5000 रुपीज का पड़ा था। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दूसरा, अगर आप ये गिम्बल परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप अपने वीडियो में, आप अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, स्टेबलाइजर यानी कि स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जॉयस्टिक है, काफ़ी अच्छा गिम्बल है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज करिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये गिम्बल कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको मिल सके। ओके दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।